ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके पार्टियों को फंसाने वाली पार्टी, तो ये सब जानते हुए भी अगर लोग उसके साथ हैं तो कोई देश हित में समाज हित में नहीं है, वो केवल अपने निजी स्वार्थ में, पार्टी के निजी स्वार्थ में या किसी तरीके से सर्वाइव करते जाना है इस स्वार्थ में। ऊपर से ढिंढोरा पीट दिया गया, बजट में 20 बार बिहार का नाम ले लिया गया कि हम बिहार को जैसे बहुत कुछ दे रहे हैं। आप देखिए ना, यहाँ से बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है इसको और साइड कॉर्नर किया जाए। उनका दाहिना हाथ क्या करेगा ये उनके बायां हाथ को पता नहीं होता है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। मैं ऋषि सिंह, आप देख रहे हैं NCR समाचार। मेरी मौजूदगी इस समय पालीगंज के विधायक CPI ML के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी के साथ मौजूद हूँ। मैं जानूंगा कि बिहार सरकार में, यानी पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है काफ़ी। लेकर कल तेजस्वी यादव बिहार से दिल्ली गए और दिल्ली से JP नड्डा कल बिहार आए माननीय CM से मिलने के लिए। मैं सर से जानूंगा कि क्या चल रहा है सर इस समय। देखिए, सब मीडिया में चल रहा है, ज़मीन पे क्या चल रहा है ये हमको आइडिया नहीं है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका दाहिना हाथ क्या करेगा ये उनके बायां हाथ को पता नहीं होता है, इसीलिए इस पर किसी तरह का कोई टिप्पणी करना वो किसी के लिए भी उचित नहीं है। कि क्या होगा, राजनीति में हर तरह की चीज़ें हो सकती है। इतना हम ज़रूर चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल में भी मोदी सरकार उसी तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, तो इस तरह की सरकार जिसको जनता ने खारिज करने का पूरा प्रयास लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, और वही मैंडेट है जो 400 पार की बात कह रहे थे उनको कम सीटों पर सिमटना पड़ा। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है इसको और साइड कॉर्नर किया जाए। NDA के जो घटक दल हैं उनको समझ में आए कि अब देश का जो अपना बनावट है, जो देश की बुनावट है, वो इस सरकार के चलते खतरे में है। तो नीतीश जी को तो वहाँ से अगर NDA से निकल जाएं, केंद्र में भी, केवल हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा देश के लिए है, ये हम चाहते हैं, लेकिन क्या होगा ये हम कह नहीं सकते। कुछ दिन पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बिहार के लिए बहुत अच्छा 26,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था। उस समय नीतीश जी काफ़ी लाभुक हो चुके थे, मतलब उस समय लगा कि मतलब ये पार्टी NDA छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन अब लग रही है कि बिहार में और भारत में दोनों, अगर जो भारत में सरकार गिर रही है, देश सरकार गिर रही है, तो बिहार में सरकार गिरना पक्का तय है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा वो परमानेंट सोल्यूशन था। विशेष राज्य का दर्जा मिलता, बिहार के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है उसको दुरुस्त किया जाता। ये जो 26,000 करोड़ आप कह रहे हैं, ये कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये 4 अलग अलग 4-lane road बन रहे हैं, उसी पैसे को जोड़ के सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, और वो भी कब तक आएगा इसका कोई सूचना नहीं है। हो सकता है कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंत तक जाकर के ये काम हो, तो वो बिहार के लिए कुछ नहीं था। ऊपर से ढिंढोरा पीट दिया गया, बजट में 20 बार बिहार का नाम ले लिया गया कि हम बिहार को जैसे बहुत कुछ दे रहे हैं। आप देखिए ना, यहाँ से बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, बिहार के लोगों के लिए और ये खास करके दक्षिण बिहार के लोगों के लिए एक लंबी पुरानी मांग है। आज से 40 साल पहले से ये मांग चल रही है। सरकार ने घोषणा कर दिया, शिलान्यास हो गया, लेकिन आज तक फंड एलोकेट नहीं हुआ। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा इनको नहीं देना है, झुंझुना केवल थमाना है, तो उस झुंझुने में कम से कम छोटे छोटे तो कार्य होते। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन आप चालू करवा देते, तो ये सब नहीं करना है। असल में केंद्र की जो सरकार है वो बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार रखती है, पहले भी रखी थी, आज भी रख रही है। मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल में इनके जो नैया है जो काफ़ी मतलब तीसरे कार्यकाल पार नहीं कर पाएंगे ऐसा 100% लग रहा है लगभग। अभी मात्र कार्यकाल का 2-3 महीने लगभग बीत रहा है अभी, यानी तीसरी अभी इनके कार्यकाल की 2 महीने बीत रहे हैं लगभग। ये बता सकते हैं सर कि NDA के घटक दल चिराग पासवान बोल रहे हैं, इधर कुछ दिन पहले चर्चा में आए थे कि नहीं NDA छोड़ रहे हैं, इधर खुद बोल दिया कि नहीं हम मोदी के हनुमान हैं, इससे क्या लग रहा है? और दूसरी बात ये रही कि माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं जो 12 सीट लाए हैं,
इनका देश में इतना अच्छा पकड़ बन गया है, मतलब बिहार चलाते हुए इधर देश में, देश की राजनीति में भी इनकी मतलब पहचान, अच्छी पहचान बन चुकी है। अब देखिए, हम ये कहेंगे कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको किसी को भी जनता की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है जो लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी जो आसमान छू रहा है उसकी चिंता नहीं है, महिलाओं की जो स्थिति लगातार देश में दिख रहा है, अपराध की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ उसकी चिंता नहीं है, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति थी, एक भाईचारे वाली संस्कृति थी, उसको नष्ट किया जा रहा है उसकी भी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है तो इस बार्गेनिंग में हमें क्या मिल जाए, वो चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो या कोई पार्टी हो, अगर वो बीजेपी के साथ है तो ये जानते हुए साथ है कि बीजेपी किसी को भी निगल जाने वाली पार्टी है, तोड़ देने वाली पार्टी है, साजिश करने वाली पार्टी है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके पार्टियों को फंसाने वाली पार्टी है। तो ये सब जानते हुए भी अगर लोग उसके साथ हैं तो कोई देश हित में, समाज हित में नहीं है, वो केवल अपने निजी स्वार्थ में, पार्टी के निजी स्वार्थ में या किसी तरीके से सर्वाइव करते जाना है इस स्वार्थ में। इसीलिए हम लोग तो किसी भी हाल में चाहते हैं कि ये जो सरकार है बीजेपी की, एनडीए की, इसको जनता ने मैंडेट दे दिया है बाहर रहने के लिए, लेकिन तिकड़म करके, साजिश करके, चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग करके, सत्ता का गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये वापस अगर सत्ता में आए हैं तो कम से कम इनको सबक लेना चाहिए था। ये नहीं कि जो पुराना पैटर्न है उसी पे आगे बढ़ेंगे, बल्कि और ज़्यादा खराब तरीके से आगे बढ़ेंगे जो भी हो रहा है। अभी आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा है, वो भाषा में कहीं कोई मर्यादा नहीं है, कहीं कोई प्रधानमंत्री का लक्षण नहीं दिख रहा है, और एकदम हाईली एग्रेसिव तरीके से उधर से उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको लग रहा है कि हम और ज़्यादा आक्रामक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो ज़्यादा हमको वोट मिलेगा। तो देश की राजनीति में अगर नफरत को वोट लेने का हथियार बना देंगे, अगर हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने को वोट लेने का हथियार बना देंगे तो देश चलेगा कैसे? तो सर, आपने योगी की बात कही, इस बार में 80 सीटों, मतलब कम से कम परसेंटेज 60-40 का परसेंटेज आंकड़ा हो गया था इसमें, तब भी उस दिन से रिजल्ट के बाद से, यानी तीसरी सरकार बनने से, मोदी जी की तीसरी कार्यकाल सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में पूरे माफियाओं को मतलब ढहाने लगे, मतलब जितने उनके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे सभी को ऑर्डर कर दिए कि जितने हैं, जितने बुलडोजर चलवाना है और जितना अपराधी है उनको मार गिराना है उनको। इससे क्या लग रहा है कि उनका लोक विधानसभा चुनाव 2027 करना आसान है इनसे? अभी आपने 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी हो या दोषी, आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश या भाजपा के राज्य में कहीं भी आप देखिए तो वहाँ दोषी होने तक तो बात ही नहीं है, आप केवल आरोपी हो गए अगर आपको पुलिस ने नामजद कर लिया, FIR आपके खिलाफ हो गया, और गलती से आप दलित हैं, गलती से आप मुसलमान हैं, तो आपका घर अगले दिन तोड़ दिया जाएगा। सर, वहाँ पर ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, और यही उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कही? इसने हलफनामा देके कहा कि नहीं नहीं, हम तो केवल अवैध घरों को तोड़ रहे हैं, जो इनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण करके बनाया गया है, हम तो केवल उनको तोड़ रहे हैं। और तोड़ किसके रहे हैं? जो कोई आंदोलन कर रहा है, जो CA आंदोलन में लोग थे, जो किसान आंदोलन में लोग शामिल थे, उन सब का घर तोड़ा जा रहा है। तो ये एक तरह का हिपोक्रेसी है राजनीति के अंदर। और हम मानते हैं कि पुलिस को ये हक नहीं है कि आप न्यायालय की जगह ले लें। हमने अगर कुछ क्राइम किया, हमने कुछ गलती की, तो कोर्ट हमें सजा देगा। ये नहीं कि पुलिस खुद तय कर लेगा कि फलाने के ऊपर FIR हो गया, अब इसे घर तोड़ दो। तो फिर देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका का महत्व है, उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं रहेगा अगर पुलिस को ही जजमेंट दे देना है। आप बताइए, किसी का घर तोड़ दिया गया और बाद में साबित हुआ कि नहीं, वो तो दोषी था ही नहीं, उसका तो गलत तरीके से नाम चल गया था, आप उसका घर बना देंगे? और चलिए, परिवार के एक आदमी ने गड़बड़ी की, गलती की, आपने घर तोड़ दिया, तो पूरा परिवार सड़क पर आ गया। तो घर रोज नहीं बनते। ये सरकार को कम से कम इतनी संवेदना रखनी चाहिए।
इसीलिए बुलडोजर से घर तोड़ने के खिलाफ, या कहिए कि ये बुलडोजर प्रथा जो चला दिया भाजपा ने, अगर उनको इतना ही शौक है तो अपना चुनाव चिन्ह जो है उसको कमल हटा करके बुलडोजर मांग ले सरकार से। चुनाव आयोग जेब में है, आप मांग लीजिए कि हमारा बुलडोजर चुनाव चिन्ह होगा। हम जनता को इसी पे वोट मांगेंगे कि भाई हमको वोट दीजिएगा तो हम घर तोड़ते रहेंगे, जनता तय करेगी। फिर तो सबका साथ सबका विकास नारा दे देंगे लेकिन काम करेंगे घर तोड़ने वाला। तो सरकार का काम है बनाना, ये नहीं कि तबाह कर देना चीज़ों को, ये गलत। सर एक बात और है सर, अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि केवल ठाकुरों को और ब्राह्मणों को छोड़कर केवल मतलब सपा पार्टी है, सपा या बीएसपी के जितने भी कैंडिडेट हैं लोग, मतलब जैसे मुस्लिम हुए, मतलब जैसे लोग हैं, क्यों इन्हीं के घर पर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है, ठाकुर पर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? वही हम कह रहे हैं, बुलडोजर तो टारगेट करके असल में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है, राजनीतिक जो किसी के साथ ये हो गया, विभेद हो गया, राजनीतिक दूरियां अगर किसी के साथ है तो उसको साधने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम आपसे असहमत हैं, आपने कोई कानून लाया, हम असहमत हो गए, तो डेमोक्रेसी में असहमति को चेरिस किया जाता है, उसको जश्न मनाया जाता है कि असहमति का अधिकार है किसी के पास। अभी ये हो रहा है कि आप सरकार की किसी पॉलिसी से, अगर सरकार ने 3 कृषि कानून लाए आप असहमत हो गए, सरकार ने CA कानून लाया आप असहमत हो गए, आपने अपने असहमति को व्यक्त कर दिया, यही गुनाह हो जा रहा है। तो ये राजनीतिक विभेद को साधने का एक हथियार बना लिया गया है। और ख़ास करके हमने कहा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुसलमान, इसी को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि बाकी जो सवर्ण जातियां हैं वो सब भाजपा के साथ हैं, उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए उनको भी छोड़ दो, बाकी जो लोग नहीं हैं उनको सबक सिखा देंगे, बुलडोजर से डरा करके हम वोट ले लेंगे, वही देश में चल रहा है। सर बिहार में इस समय चल रहा है, इस समय पहले था MY समीकरण, अब KY समीकरण हो गया है। KY समीकरण क्या है? कुशवाहा यादव भाई भाई। देखिए अब हम तो सामाजिक समीकरणों पर नहीं, हम तो संघर्षों की एकता पर विश्वास करते हैं। जातिगत जोड़ तोड़ की राजनीति से बिहार को बाहर निकलना चाहिए, और पार्टियों का जो बनावट चुकी है इस तरह का कि लोग अलग अलग जातियों के लोगों को लगता है कि हमारी पार्टी यही है, हमें लगता है कि एजेंडा प्रधान है। जैसे अभी का समय का एजेंडा है रोज़गार, तो रोज़गार का मुद्दा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हर जाति के नौजवानों का वो सवाल है। गरीबी दूर करना है, हर जाति में गरीबी है उसको दूर कीजिए। शिक्षा को सुधार करना है, हर जाति के लिए वो बेहतर होगा। तो एजेंडा को फोकस करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब समीकरण लोग बना सकते हैं इधर का उधर का, लेकिन वो समीकरण अंत में राजनीति के लिए फ़ायदेमंद बहुत नहीं है। और इसका सबसे ज़्यादा जो रोना रोता है जो पार्टी भाजपा, वो तो कम्प्लीटली सामाजिक समीकरण पे ही चलने वाली पार्टी। पर देश में यही कर दिया जाए अगर कि अगर हर एक वर्ग में जो अगर अच्छे खास पदान पहुंच चुके हैं, यानी जो जॉब ले लिए हैं, जो मंत्री बन गए, तो उनको अगर छोटे भी अगर ST ST हैं तो उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए? नहीं, ये गलत होगा। आरक्षण इस बात के लिए नहीं है कि आपकी गरीबी दूर कर देनी है, आरक्षण गरीबी हटाओ अभियान नहीं है। आरक्षण जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े रह गए उनके मान सम्मान के लिए, उनको बराबरी के दर्जे पे लाने के लिए है। और जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी, जब तक बहुसंख्यक आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाएगा, सम्मान नहीं मिल जाएगा, तब तक आप आरक्षण हटा नहीं पाएंगे, हटाना नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि किसी को नौकरी मिल जाए, कोई अगर दलित है अगर उसको नौकरी मिल गया, आप भारतीय समाज व्यवस्था की जो बनावट है उसको समझिए, दलित है उसको नौकरी मिल गया, लेकिन नौकरी मिलने के बाद अगर वो अधिकारी भी बन जा रहा है और वो अगर जा रहा है किसी पद पे, वहाँ उसको अपमानित होना पड़ रहा है कदम कदम पे, अगर वो मंदिर में जाना चाह रहा है उसको नहीं प्रवेश मिल रहा है। तो ये जो गरीबी समस्या नहीं है, जाति समस्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था समस्या है। जिस वर्णाश्रम व्यवस्था में किसी समाज को चार पायदान में, चार हिस्सों में काट दिया, अम्बेडकर ने क्या कहा? अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय समाज जो है वो एक बिल्डिंग की तरह है,
जिसमें कोई लिफ्ट कोई सीढ़ी नहीं है, जो जिस फ्लोर पे है उसको उसी फ्लोर पे रहना है, उसी फ्लोर पे मर जाना है, और ऊपर का कचरा नीचे, नीचे का कचरा उसके नीचे, नीचे का और जो सबसे नीचे है सारा कचरा उसके ऊपर गिरेगा। तो ये भारतीय समाज की व्यवस्था है। अगर कोई दलित मुख्यमंत्री भी हो जा रहा है तो उसको अगर किसी जगह पे वो गया और इस नाम पे कि दलित का पैर यहाँ पड़ गया इसको मंदिर को धुलवा दो, अगर ये चेतना समाज के अंदर है तो आप कैसे इसको हटा देंगे? तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ गरीबी सवाल है तो गरीबी हटा, गरीबी से समाधान निकालिए उसका। अगर गरीबी सवाल है तो भाई आप पढ़ाई लिखाई को सस्ता कर दीजिए, किसी को गरीबी के चलते दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आरक्षण गरीबी का सिर्फ मामला नहीं है, आरक्षण सामाजिक रूप से जो पिछड़े रह गए, जिनके परिवार को सिखा दिया गया कि नहीं तुम्हारा काम ही है जूता सिलना, तुम पढ़ाई करके क्या करोगे, पढ़ाई करने के लिए फलाना है, तुम जूता सिलो, तुम खेती करो, तुम सब्जी उगाओ, तुम दूध का कारोबार करो, दूध दुहो और बेचो, ये जिसको सिखा दिया गया है। और ये 10 साल 20 साल का चीज़ नहीं है, 50 साल 100 साल का चीज़ नहीं है, ये हज़ारों साल का चीज़ है। तो हज़ारों साल से जो जातिवाद समाज के अंदर जहर बन के बैठा हुआ है, आप चाहेंगे कि 20 साल का हमने आरक्षण दिया, 2008 से OBC आरक्षण हुआ, आप सोचें कि इतने साल में उसको ख़त्म कर देंगे? या SC ST आरक्षण ही देखिए तो 50 साल का आरक्षण है 70 साल का, आप सोचें कि 1000 साल का जो भेदभाव है उसको हम 70 साल में पाट देंगे? तो ये संभव नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि आरक्षण जो है वो सामाजिक आधार पर ही मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण का जरूरत नहीं है। आर्थिक आधार पर अगर आपको कुछ करना है तो आप पढ़ाई लिखाई को सस्ता कर दीजिए, कोई गरीब क्यों बाहर रहेगा यूनिवर्सिटी से, सब यूनिवर्सिटी में घुस जाए। आखिरी क्वेश्चन सर, आप स्टूडेंट ऑफ JNU है सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के हस्ती JNU है सर, JNU में 2019 में सर अक्टूबर के महीने में आप फीस हाई को लेकर मोदी जी उस यूनिवर्सिटी को बंद करने वाले हैं, जो कि 2018 के डेटा के अनुसार JNU पर सालाना 558 की 77 करोड़ खर्चा था उस पर। आप समझिए कि देश में किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि कोई सरकार ऐसी आएगी जो सरकारी विश्वविद्यालयों को पैसे देने की जगह पर लोन दे देगी। मोदी सरकार ने UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका पावर सीज किया, उसका पावर कम कर दिया, अब वो ग्रांट देना बंद हो गया, उसकी जगह पर हेफा एक एजेंसी लाया गया जो सबको लोन दे रहा है। तो विश्वविद्यालयों को लोन दिया जाना शुरू हो गया और उसी में JNU को तबाह किया जा रहा है। तो ये जो सरकार है, भाजपा का जो राजनीति है, भाजपा की जो विचारधारा है, उसको समझना है अगर तो आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, आपको विज्ञान से टेक्नोलॉजी से दूर रहना पड़ेगा। भले वो अपने फायदे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसका मोटो है, जैसे वो चाहते, वो कहते हैं कि भाई हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने नहीं किया बल्कि आदिकाल में किसी ऋषि मुनि ने कर दिया था। तो मिथक को जो इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए ताकि अंधविश्वास को बढ़ावा मिले, आधुनिकता को कमज़ोर किया जा सके। तो इस विचारधारा को अगर स्वीकार करना है, इसके पक्ष में खड़ा किसी को होना है, तो अनिवार्य रूप से उसको शिक्षा से, रिसर्च से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से दूर करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी तो वही करता है, यूनिवर्सिटी तो भाई तर्क सिखाता है, टेक्नोलॉजी सिखाता है, मॉडर्निटी क्या है, आधुनिकता क्या है वो सिखाता है। इसीलिए भाजपा के लिए ज़रूरी है कि वो विश्वविद्यालय को कमज़ोर करे, उसको ख़त्म करे, बंद कर दे। लोग नहीं पढ़ेंगे तभी भाजपा के समर्थक बन पाएंगे। तो देश के साथ ये संकट है कि सत्ता में ऐसी पार्टी है जिसको अपने प्रचार प्रसार के लिए एजुकेशन को कमज़ोर करना ज़रूरी लगता है। और JNU को तो इन लोगों ने इसलिए टारगेट किया कि भाई JNU जो है सच को सच कह देता है। देश में गरीब छात्र नौजवान, अगर कोई एक ऐसा संस्थान जहाँ पे पैसे की बैरियर के बगैर वो पढ़ सकते हैं तो वो JNU है। आप कितने भी गरीब हैं, आप कितने भी गरीब हैं, अगर आपका सिलेक्शन JNU में हो जाता है तो पैसे का रोड़ा आपके सामने नहीं आएगा। 6 महीने का फीस 109 रुपये आपको लगता था, लेकिन ये मोदी जी को देखा नहीं गया। सदियों से सरकारें उसको चला रही थी, एक सरकार मोदी जी की आई, इसने कहा हम चलाएंगे ही नहीं, हम लोन दे देंगे, 600 करोड़ का लोन दे दिया। और अब JNU का जो संपत्ति है, JNU का जो अपना ज़मीन है, उसको बेचना पड़ रहा है, ये स्थिति बना दी गई है यूनिवर्सिटी की। तो इसीलिए हम लोग तो देख रहे हैं कि कितना तेज़ रफ्तार से
ये जो बीजेपी की सरकार है उसने देश को कमजोर किया हर एंगल से, हर एंगल से। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज के विधायक डॉक्टर संजीव सौरव जी थे, जो कि इनका सफर जे न्यूज से लेकर बिहार विधानसभा तक रहा। आइए हमारे खबर में आगे बने रहिए।